देखेंगे लेट्स सबसे पहले हम देखेंगे मैकफर्सन के व्यूज ऑन डेमोक्रेसी ना डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे जुड़े बहुत से इश्यूज बहुत से सारे बहुत सारे वेरिएशन या थिंकर्स के ऊपर जो है प्रीवियस या क्वेश्चन आए हैं लेट्स डेलीबरेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर डिफरेंस बिटवीन डेलीबरेटिव या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर मैकफर्सन का व्यू ऑफ डेमोक्रेसी तो इस तरह से क्वेश्चन जो हैं ये आते हैं इसके अलावा इंपॉर्टेंटली गांधी की जो क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्निटी है उसके ऊपर एक ये दूसरा क्वेश्चन है दोनों ही जो है फिफ्टीन मार्क का क्वेश्चन है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा नंबर जो है उनके साथ जुड़े हैं दैट इज वाइट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड टैकल इज द्यूज थिंग दैट यू हैव टू नो है टर्म बिफोर मूविंग अ है जिस टू रिमाइंड यू कि हमारे मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए टॉपर्स टेस्ट सीरीज ऑन गोइंग है फॉर पी एस आई आर विच इंक्लूड्स टेन टेस्ट फोर हाफ लेन टेस्ट सिक्स फुल लेन टेस्ट विथ थ्री सिक्सटी डिग्री इवेल्युएशन साथ ही में कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड मेंटरशिप बा टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज आ करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसके अलावा हमारा जो बैच थ्री है और फॉर ऑनलाइन क्लोज कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी जो है अभी ओपन है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड अफोर्डेबल कवरेज ऑफ द इंटायर ऑप्शनल व्हिच इंक्लूड्स नॉट जस्ट 300 हंड्रेड प्लस वीडियो लेक्चर्स कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस बस इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है तो बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव कोर्सेस है स्टार्टिंग एट इलेवन थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या जो नीचे ईमेल आईडी है उस पर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं इसके अलावा इम्पोर्टेंटली स्लीपी का पहला ऑफलाइन बैच जो है ट्वेंटी जुलाई से शुरुआत हो जाएगी इस बैच की राइट right? बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा इन मोहाली इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया राइट सो इफ यू आर समन हुज़ प्रिपेयरिंग फॉर यू तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है हमारा एंड टू एंड जनरल स्टडीज़ का कोर्स है आपको पूरा जो शेड्यूल है डिटेल शेड्यूल वो भी हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा इसके अंदर जो है हम एंड टू एंड कवर कराएंगे आपके प्रीलिम्स प्लस मेन्स का पूरा जीएस का सिलेबस साथ ही साथ में इसमें एस के कंटेंट की क्लासेस अलोंग विथ ऐसे एवेल्यूएशन पोस्ट प्रीलिम्स भी इंक्लूडेड है साथ ही में इसमें आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हंड्रेड ऑफ आंसर राइटिंग करंट अफेयर्स ये सब भी जो है आपको इस ऑफलाइन बैच के अंदर मिलेगा सो so, एक एंड ऑल कोर्स है जो कि आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को ही इफेक्टिवली टैकल करेगा राइट तो ऐसा कोर्स आपको हार्डली कहीं पे मिलेगा सो फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑफलाइन बैच आल्सो यू कैन कॉल ऑन द नंबर और ड्रॉप आज अ मेल ठीक है तो ये जो ऑफलाइन बैच है जीएस एज वेल एज हमारे ऑप्शनल्स के लिए अवेलेबल है नेक्स्ट आप वेरी वेरी लेट्स लुक एट आर फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज टू क्रिटिकली एग्जामिन मिक्स व्यूज ऑन डेमोक्रेसी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बट 15 मार्कर है मतलब आपने डिटेल में देने हैं मैकफर्सन की जो व्यूज हैं ऑन डेमोक्रेसी अब डेमोक्रेसी मच लाइक अदर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इन एसेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट जिसके कारण देर आर मल्टीपल वेरीड व्यूज ऑन डेमोक्रेसी बाई वेरियस थिंकर्स जो कि अवेलेबल है वन ऑफ दोज थिंकर्स हैपन्स टू बी मैकफर्सन ऑल्सो ना मैकफर्सन मेक्स अ वेरी वेरी इन डेप्थ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी लुकिंग एट the existing models available, the problems जो कि in existing models में है and किस तरह से हम एक better ideal model of democracy जो है बना सकते हैं तो इन चीज तीनों ही चीज़ों को जो है tackle करते हैं मेकफर्सन which should also reflect on your answer. वेरी इंपॉर्टेंटली आंसर के अंदर डायरेक्टिव क्या मांगा गया है क्रिटिकली एग्जामिन सो आफ्टर यू हैव स्टेटेड मैकफर्सन व्यूज़ यू हैव टू ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन दैम तो उसका आपने क्रिटिसिज्म भी करना है कि ये जो व्यूज मैकफर्सन ने दिए हैं इनमें क्या क्या लूप होल्स हैं क्या चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है क्या कौन सी कमियाँ हैं उनको आपने लिस्ट आउट करना है बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर सो दिस इज एग्जैक्टली वट वी स्टेटेड इन द स्ट्रक्चर एज वेल दैट यू इंट्रोड्यूस यू कैन स्टार्ट विद अ कोट ऑन डेमोक्रेसी देंस ऑफ डेमोक्रेसी द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द बॉडी पार्ट वेर यू कैन टॉक अबाउट मैकफर्सन पर्टिक्युल मैफर्सन की जो कैटेगराइजेशन है ऑफ प्रीवियस थियोरीज ऑफ डेमोक्रेसी देन मैकफर्सन का खुद का आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी क्या है देन क्रिटिकल अनालिसिस ऑफ मैकफर्सन के जो आइडिया है एंड देन अ कंक्लूजन विच इज वे फॉर्वर्ड या जो होलिस्टिकली टाई अप कर देगा पूरे के पूरे

ियन स्कूल डेमोक्रेसी को enough, बल्कि इसके अंदर बहुत की हमें जरूरत है अब किस तरह से मेकपर्सन शुरुआत करते हैं ऑफिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसीुकिंग एट एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड ये कैटेगराइज करते हैं एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक थियोरीज़ को इनटू टू ब्रॉड स्कूल्स पहली है क्लासिकल थ्योरीज एंड सेकंड है मॉडर्न थ्योरीज एक क्लासिकल थ्योरीज जो कि ऑब्वियसली आपके क्लासिकल पीरियड के स्कॉलर्स ने जो है लिखी है वहीं पे मॉडर्न थियोरीज जो कि आपके मो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने जो है पेश की है

मैकफर्सन क्या बोलते हैं द काइंड ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी विच कम्स इन टू बी बेस्ड ऑन लॉकियन आइडिया ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट दैट विल बी अ गवर्नमेंट जो कि बेसिकली ओरिएटेड होगी टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड साथ ही में स्टेट जो है इसकी पावर लिमिटेड होगी राधर देन एप्सलूट पावर जैसे कि हॉप्सियन सिस्टम में होती थी ठीक है तो इसके प्रोटेक्टिव तो नाम से आपको पता लग गया कि काम क्या है एक मिनिमल स्टेट है जिसका काम है प्रोटेक्ट करना द राइट्स ऑफ द सिटीजन जो स्कॉलर्स लाइक जॉन लॉक बेंथम जो है ये आगे रखते हैं ऐसे प्रोटेक्टिव मॉडल को डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी यह बेसिकलीरियटेड है फुल फ्लेजेड स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करती है राइट तो यहां पर जो है एक मिनिमल गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही एक स्ट्रिक्ट डिफरेंस नहीं डाला जा रहा हाँ जी सिटीजन का सिर्फ काम है आगे के वोट करना नहीं एक एक्टिव सिटीजनरी की बात की जा रही है जहां पे थ्रू दे एक्टिव पार्टिसिपेशन द स्टेट कैन प्ले आल्सो अ मोर प्रोएक्टिव रोल ठीक है तो अरिस्टोटल फॉर एग्जांपल इस तरह की एक एक्टिव डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात करते हैं राइट तो यहाँ पे आइडिया ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है वो भी हमें देखने को मिलता है जे मिल अगेन इज वन ऑफ द चीफ प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल मॉडर्न थ्योरीज में पहला मॉडल आता है इन द फॉर्म ऑफ द एलिटिस थ्योरी जो कि न्यूमरस स्कॉलर्स ने बात की है इसकी राइट शुम पीटर हो गए एंथनी डाउन हो गए इम्पॉर्टेंटली आपके मॉस्का हो गए परेटो हो गए इन सब ने जो है आपकी एलिटिस थ्योरी की बात की है एलिटिस थ्योरी हाउ एवर डज नॉट लुक एट डेमोक्रेसी एज पार्टिसिपेट बट एज अ मॉडल इन विच

मिक पर्सन टॉक्स अबाउट विच इज़ योर प्लूरलिस्टिक मॉडल अब प्लूरलिस्टिक मॉडल में राधा दिन द कॉम्पिटिशन बिंग लिमिटेड दी कॉम्पिटिशन इज ना ओपन टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्रुप्स एंड एसोसिएशन राइट तो ये जो है रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं ये कास्ट या स्क्रिप्टिव आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स हो सकते हैं ये आपके प्रोफेशनल ग्रुप्स हो सकते हैं न्यूमरस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं जिनके बीच में जो है एक बारगेनिंग का कॉम्पिटिशन चलता है विद स्टेट एज एन अम्पायर और एन

वेरी इंपॉर्टेंटली क्या निकल के आ जाता है ही कॉल्स इट द शुम डाल एक्सेस वो बोलते दट बाइ सुपरफिशली इनका कंटेंट माइट बी डाइवर्जिंग बट एक सिमिलैरिटी जो कि इन सारे मॉडल्स में अवेलेबल है वो क्या है दर प्राइमरिलोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है ये डेमोक्रेसी को क्यों मेंटेन करना चाहते हैं स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के लिए इन आर सोसाइटी एंड पॉलिटी। हाउ एव मिकफर्सन का मानना है कि अगर हम एक डेमोक्रेसी को सिर्फ उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स तक लिमिट कर देते हैं एंड ये डेमोक्रेसी सब आइडिया में नहीं बदलती तो डेमोक्रेसी जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि एक शैर ही बन के रह जाएगी

ये गोज़ हैंड इन हैंड वु वट वी अंडरस्टैंड इज द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है ये वर्क करता है जैसे कि हम आगे देखेंगे ऑन द नोशन ऑफ वट ही कॉल्स इज एक्सट्रैक्टिव पावर राइट सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रैक्टिव एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म जो कि इन लिबरल डेमोक्रेसीज में पाया जाता है इन डेमोक्रेसीज में एक ह्यूमेन टच जो है सिवियरली मिसिंग है नेक्स्ट वी हैव द कम्युनिस्ट कंट्रीज राइट नाउ ही दैट वाइल्ड कम्युनिज्म इन टर्म्स ऑफ ऑप्रेशन इकोनॉमिक ऑप्रेशन या एक्सट्रैक्शन बाय इम्पोजिंग एक्सप्लोइटेटिव वर्क कंडीशंस वो इसके अंदर कम हो बट बिकॉज यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी रूल जो है चलाने की कोशिश करती है तो यहाँ पे जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैं जो भी ज़रूरी हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते इनके ब्यूरोटिक सिस्टम्स बहुत क्लोज हैं पार्टी सिस्टम जो है एक ही पार्टी द्वारा डोमिनेटेड है तो जरूरत है दैट इन इन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में जो है द कम्युनिस्ट सोसाइटीज एंड अप ओपनिंग देमसेल्फ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं व्हेन इट कम्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वो कहते हैं कि ये इवन दो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं ऑफ द वेस्टर्न काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं बट स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इनकी गवर्नमेंट जो है आप बेस्ड ऑन मास रेवोल्यूशन एंड एंथूजियाजम राइट सो फॉर एग्जाम्पल हमने न्यू डी डीकोलोनाइज कंट्रीज में देखा है दैट ऑफन जो डीकोलोनाइजेशन एंड द कमिंग अप ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप है दिस वॉज बेस्ड ऑन एक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी पीपल स्ट्रगल जैसे कि अगर हम इंडिया की बात कर लें ठीक है एंड साथ ही में द फॉर्मुलेशन ऑफ द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैट That these people were now very enthusiastic in finally having a government which was accountable to them and was working for their welfare. ठीक है डेफो मैक मैकफर्सन के व्यू में क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं जिनका काम क्या है एक्चुअल में वो ट्राई कर रहे हैं मासेस की एस्पिरेशन को फुलफिल करना नाउ इंपॉर्टेंटली ही सेस कि अगर हम ट्रूली डेमोक्रेसी का सब्सटेंस समझने की कोशिश करें बियॉन्ड प्रोसीजर एक ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है पहली चीज तो ये ट्राई करती है कि मासेस को इंटरेस्ट जो है उसको अचीव करना साथ ही में मासेस आर वेरी पार्टिसिपेटरी एंड एंथ्यूजिया अबाउट सच अ गवर्नमेंट साथ ही में जो मासेस सफर कर रहे होते हैं उनकी कंडीशन ये बेटर करने की कोशिश करते हैं ठीक है ऐसी चीजें सो दिस इज प्रोसीजर प्लस आउटकम जब इन दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन आ जाती है दैट इज वॉट डेफो अ ट्रू डेमोक्रेसी इज तो आप सिर्फ प्रोसीजरल नहीं बल्कि आपको आउटकम बेस्ड चीजों को भी जो है इंश्योर करना है डेफो इंपॉर्टेंटली वो क्या बोलते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसीज में अलोंग विद प्रोसीजरल एलिमेंट्स वी हैव टू एड ह्यूमनिस्ट टच जहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम प्रोवाइडेड हो टू ऑल पीपल बिकॉज इट इज इन दिस क्रिएटिविटी दैट ह्यूमन बींग्स आर ट्रूली बीइंग सेल्व ठीक है तो जब हम कैपिटलिज्म की एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सट्रैक्शन को हटा के ये एमिल्योरेशन ऑफ़ द कंडीशन ऑफ मासेज इंश्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ द मासेज को इंश्योर करेंगे तो ये ट्रूली ओरिएंटेड होगी टूवर्ड्स क्रिएटिव फ्रीडम ठीक है तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट मैंने डाला है ये जरूरी नहीं है आपने आंसर में डालना ये बस आपको समझाने के लिए है बेसिकली मैकफर्सन ने टू टाइप्स ऑफ पावर्स में भी डिफ्रेंशिएट किया है एक वो बुलाते हैं डेवलपमेंटल पावर जहाँ पे मैन की जो इनहेरेंट कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस टू क्रिएट उसको वो फ्रीली यूज कर पाते हैं एंड अपने द्वारा सेट गोल्स को या आइडियाज को फुलफिल कर पाते हैं ये डेवलपमेंटल पावर होती है जब पावर इस क्रिएटिव एंडेवर में पर्सन की हेल्प करते हैं ऑन द अदर हैंड एक्सट्रैक्टिव पावर इज जब एक पावर एक इंसान की कैपेबिलिटीज़ उनके खुद के क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि दूसरा के बेनिफिट के लिए काम करने के लिए फोर्स करती है तो वो एक्सट्रैक्टिव पावर बन जाती है और यही प्रॉब्लम है लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज में जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में है कि कैपिटलिज्म के अंडर जो है एक्सट्रैक्टिव पावर बेस्ड ऑन लेबर कमोडिटी रिलेशंस जो है वो फोर्स की जा रही है जिसके कारण जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ प्रोसीजरल बन के रह जाती है एंड सब्सटैंडिव डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं होती है राइट right? तो ये बिट जो है ये 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 आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के के लिए लिए, था, एक्स्ट्रा है, right? आपने पॉइंट पॉइंट, ऐड करना है ये point, that for his ideal democracy, therefore, किस तरह से आप कंबाइन कर सकते प्रोसीजर एंड सब्सटेंस सब्सटेंस को, सोशलिस्ट ओनरशिप ऑफ रिसोर्स जिसके थ्रू कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन कैन बी मिनिमाइज एंड फॉर द प्रोसीजरल द यूपीट्यूशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी पार्टी कंपटीशन ऑफ ओपन ब्यूरोक्रेसीज़ ऑफ मास पार्टिसिपेशन एंड इसके थ्रू एक डेवलपमेंटल पावर को इनकरेज किया जा सकता है एंड एक आइडियल डेमोक्रेसी व्हिच इज बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटैंडिव उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है राइट वेल मार्क मैकफर्सन व्यूज माइट बी ग्रेट देर इज ऑब्वियसली सर्टन क्रिटिसिज्म जो कि इनके आगे रखा जाता है क्या क्रिटिसिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज क्रिटिकल क्रिटिकली एग्जामिन करने को हमें बोला गया है राइट right? सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म आता है तो यहाँ पे like देखिए कई बार तो सोशलिज्म के, के अंदर जो है प्लेस करते हैं बट एक्चुअल में ही डज नॉट अ लॉट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी की जो आइडियाज हैं ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पार्टी सिस्टम वो अपने आप को वहां तक ही लिमिट कर देते हैं एंड कोई नए नॉवल आइडियाज जो हैं उनको सोच नहीं पाते हैं राइट right? इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली इवन इन हिज थीसिस ऑफ एक्सट्रैक्टिव पावर कैनेट मिनोक क्रिटिसाइज करते हैं मैकफर्सन को जहां पे वो कहते हैं कि जस्ट आप इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे जो ये जिनको आप बोल भी दीजिए कि एक्सप्लोइटेटिव है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फंक्शन उसके थ्रू आप इंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे बोल सकते हो कि ये भी एक्सट्रैक्टिव है राइट right? तो इतना ज्यादा कोरिलेट करना तो रिडक्शनिज्म हो गया दैट इंटायर डेमोक्रेसी इज जस्ट अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी Then very importantly, even with respect to role of developmental power, there are certain criticisms. John Donne, for example, claim करते हैं कि ये जो idea है कि आपने maximize करनी है एक चीज को which is developmental power, ये कहते हैं ये measurable ही नहीं है. आप किस तरह से developmental power जो कि creativity of a man को unleash कर देगा, किस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं कि कौन अपनी क्रिएटिविटी को कितना ज्यादा परस्यू कर पा रहा है तो ये बोलते हैं हैं बहुत बहुत ही ही गोल्स जिनके लिए क्रेडिबल मेजरेबल क्वांटिफाइबल चीजें सेटअप करना जो है इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल देन वेरी इंपॉर्टेंटली अनादर क्रिटिसिज्म विद रिगार्ड टू हिज व्यूज ऑन द डेमोक्रेसीज डेवलपिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यहाँ पे अगेन जॉन डान बोलते हैं कि मिकफर्सन जो कि एक मॉरल ग्राउंड देते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को कि इनके अंदर अभी भी जो है कैपिटल सोशल रिलेशंस जो है डेवलप नहीं हुए हैं लोग अभी भी बहुत एंथुजियास्टिक अबाउट डेमोक्रेसी ये थोड़ा मिसप्लेस्ड आइडियल है आप देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हालत कितनी कंट्रीज के अंदर तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की बची है राइट अभी भी यहाँ पे ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी कौन सी अचीव हो पा रही है राइट सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की भी बात कर ले इंडिया में कौन सी एक्सप्लोइटेशन खत्म हो गई है या कौन सी ऑपरेशन या एक्सट्रैक्टिव पावर जो है यूटिलाइज़ नहीं की जा रही इनफैक्ट दे से दैट नाम के लिए लॉट ऑफ दिस डेवलपमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज माई क्लेम कि हम कैपिटलिस्ट नहीं है जैसे कि प्रियम्पल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो अभी तक लिखा हुआ है हम सोशलिस्ट हैं बट क्या हम सोशलिस्ट हैं Absolutely not. Right, so they say that you have to take this optimism with regard to third of third world countries, which McPherson shows with a pinch of salt. Right. In conclusion, we can talk about that while absolutely it is absolutely correct.

कंक्लूजन टू बी अराइव डैट राइट इन फैक्ट लिबरल कैपिटल डेमोक्रेसी स्टिल हैवे अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो बिफोर दे केन इस्टेब्लिश दैमसेल्व एज आइडियल पोलिटिकल सिस्टम एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट मेक्स पर्सन ट्राइज फॉर अस टू लुक इन टू ठीक है तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस आंसर के ये आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम वेरी क्विकली नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू टू एग्जामिन गांधी जी का क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन नाउ जो हिंद स्वराज किताब है गांधी जी की इट इज नोन फॉर गांधी जी इज दिस क्रिटिसिज्म एंड इन फैक्ट गांधी जी का जो क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन आया था नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट जस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन बट इन फैक्ट मॉडर्निटी मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो है ये क्रिटिसिज्म करते हैं राइट इट इज बेस्ड ऑन न्यूमरस फैक्ट्स राइट इट्स इंटरलिंकेज विद विद इट्स इंटरलिंकेज मेंटालिटी द अपकमिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि लेबर वैल्यू को कंप्लीटली जो है रबिश में uh, कर देता है राइट द क्रिटिसिज्म ऑफ इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक रेलवे लॉयर्स फिजिशियंस इन सब का क्रिटिसिज्म भी ठीक है तो इंपॉर्टेंटली इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से होना

गांधी जी द्वारा रखे गए इन क्रिटिसिजम्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन को बिफोर एंडिंग विदल ऑफ वर्ड अबाउट कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस एंड द इंड्योरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधी एन फिलोसफी ठीक है तो शुरुआत में ही हम बात करते हैं कि अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटिकल थॉट की बात की जाए तो गांधी हैज बीन अ चीफ कंट्रीब्यूटर एंड गांधी जी ने न्यूमरस वर्क्स लिखे थे फ्रॉम पंचायती राज टू माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ टू हिंद स्वराज एंड इन सारे बुक्स में इनकी एक फ़िलोसफी जो है नज़र आती है हिंद स्वराज में मच मोर क्लियरली जिसके अंदर ये एक वाइड स्प्रेडिसाइज क्रिटिसिज्म जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का देते हैं एंड इन फैक्ट एक ऑल्टरनेटिव भी आगे रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पंचायती राज ठीक है तो ये पंचायती राज सिस्टम जो है इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना इम्पोर्टेंटली ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिसिज्म था ये ना ही सिर्फ क्रिटिसिज्म था ब्रिटिश कलोनियलिज्म का बट इन फैक्ट इसके बाकी बाय प्रोडक्ट्स का भी जिनका गांधी जी का मानना था कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली डिजास्टर्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट इन फॉर द इंटायर वर्ल्ड राइट right? तो यहाँ पे गांधी जी बहुत ज्यादा बातें जो है आगे रखते हैं राइट right? जो कि हम लेटर ऑन भी लिखते हैं बट आप इसको पहले भी डाल सकते हैं कि किस तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ एक बहुत ही एस्पिशनल आइडिया जुड़ गया है इवन दो ही सेज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज सो रीसेंट है ना मॉडर्न सिविलाईजेशन का भाई आपकी आई वेरी इंपॉर्टेंटली रेनेसा आया उसके बाद आपका रेफॉमेशन आता है इन्लाइटनमेंट आती है इसके थ्रू जो है फिर आपकी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है जिसके थ्रू ये मॉडर्न सिविलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल सो ही सिस मॉडर्न सिविलाइजेशन इज सो रीसेंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ क्लेमिंग कि हम इंडिया जैसी एक ट्रू इतनी पुरानी सिविलाइजेशन से भी बेहतर है तो बोलते हैं ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है द काइंड ऑफ वेज इन विच इंडियन सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व द काइंड ऑफ लेसन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स इन फैक्ट प्रूव दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज द ट्रू सिविलाइजेशन एंड नॉट दिस वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन ठीक है ना क्या बेसिस है इस क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन का सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंटली गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं द इंटर रिलेशन बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड कलोनियइजेशन को राइट right? इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं वन ऑफ़ रीजन ड्यू टू विच कलोनियलिज्म कम इन टू बींग वॉज दिस एडवेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन अब मॉडर्नाइजेशन किसके साथ आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आई साथ में आया मास प्रोडक्शन अब ये मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ सडनली द वर्ल्ड बिकेम क्लोजर सडनली बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन नाउ दे वांटेड मोर रॉ मटेरियल दे वांटेड मोर मार्केट्स तो इन्होंने क्या किया दे वेंट अहेड एंड स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अदर कंट्रीज राइट इनफैक्ट ये जो गांधी जी का थीसेज है कैन ऑल्सो भी कम्पेयर टू लेन थीसेज इन इज वेरी वेरी फेमस वर्क जहाँ पे वो इम्पीरियलिज्म को द हाइस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म जो है मानते हैं Now importantly, with modernity, not only comes the system of colonialism and imperialism, but इसी के साथ साथ क्या हुआ है? In a number of countries, including India, this has led to the coming up of the colonial mentality. In fact, यहाँ पे आशीष, नंदी जैसे scholars बहुत ही important ideas जो है आगे रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि colonialism अब सिर्फ एक external जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है बल्कि कलोनियल आइडियाज़ को हमने इतना ज़्यादा इंटरनलाइज कर लिया है जहाँ पे इंडिया के स्कॉलर्स इंडिया की ये जो इंटायर मिडिल क्लास क्लरिकल क्लास जो कि जेनरेट की थी थ्रू वेस्टर्न सिविलाइजेशन थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन उनका क्या मानना है दैट अरे जो कॉलोनियल रूल है वो तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एंड दैट इज व्हाई आशीष नंदी इसको क्या बुलाते एक इंटिमेट एनिमी क्योंकि हमारी कोलोनियल मेंटालिटी ने हमारी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली सबज्यूम कर लिया है राइट सो इफ पीपल वांट टू ट्रूली फाइंड देयर ट्रू सेल्स ये मॉडर्निटी के साथ आई जो कोलोनियल मेंटालिटी है दे विल हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एज़ वेल राइट सो इनफैक्ट गांधी जी क्या बोलते हैं कि अनलाइक बंकिम चटर्जी जिनका क्या मानना था कि इंडिया की कल्चरल डेवलपमेंट जो है पिछड़ी रह गई वी कुडंट इंडस्ट्रियलाइज वी कुड नॉट डेवलप आवरसेल्व्स जिसके कारण कोलोनियलिसम केम इनटू इंडिया गांधी जी कहते हैं उल्टा ये उल्टा है इंडिया बिकेम सिड्यूस बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे अंदर ये एक चीज इंटरनलाइज हो गई कि हमसे बेहतर है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन वाले हैं जिसके कारण इंडिया की सब्जेक्शन जो है इंपॉर्टेंटली गांधी जी इज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द आइडिया ऑफ हॉलो रैशनैलिटी सो वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है द फोकस ऑन रीजन द फोकस ऑन द रैशनल राइट right, इनफैक्ट so आप जितने मर्जी स्कॉलर्स देख लीजिए चाहे लॉक हो हॉब्स हो ये सब टाइम एंड अगेन किस चीज पे फोकस करते हैं इस रैशनैलिटी पे इस रीजन पे राइट right, गांधी जी बोलते कि इस तरह का आइडिया ऑफ रैशनैलिटी एंड रीजन जो है इनफैक्ट बहुत ही हॉलो है इनफैक्ट बहुत ही डिससेटिस्फैक्ट्री है है बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड

राज को जो है प्रमोट करते हैं ठीक है देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर आप एक और पॉइंट जो एड कर सकते हैं दैट ही एंटी वेरी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है जो कि हम आगे भी देखेंगे दैट नो मैटर व्हाट फॉर्म यू लुक एट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो दोनों के दोनों जो है बहुत सेंट्रिसिज्म पे बेस्ड है जहां पे मैक्सिमम पावर्स जो है यूनियन के पास है चाहे आप जितने मर्जी फेडरलिज्म की बात कर ले अगर आपको ट्रू डेवल्यूशन ऑफ पावर्स चाहिए तो आपको इंडिया की एंशियन सिविलाइजेशन के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम था उसको देखना चाहिए एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट गांधी जी वॉन्टेड अस टू गो बैक टू टू द पंचायती राज सिस्टम ऑफ कॉन सर्कल्स जहां पे मैक्सिमम पावर्स जो है वो विलेज लेवल पे हो एंड मिनिमम पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाए देन वेरी वेरी इम्पोर्टेंटली रामश्वर रॉय जो है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं वो भी आर्ग्यू करते हैं कि गांधी जी की जो क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी थी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बेस्ड थी ऑन द आइडिया कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एक्सेट्रा जो है जिनको हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं वो भी अच्छी एक अच्छी सोसाइटी नहीं बल्कि एक बहुत ही सेल्फिश सोसाइटी की तरफ हमें ले जाते हैं वाई बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ इफ यू ओनली कीप ऑन आर सेल्फिश इंटरेस्ट माई ऑटोनॉमी देन द सोसाइटी है ना तो फिर यही होता ना कि बस मेरी मेरा काम होता रहे मेरे इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होते रहे सोसाइटी गई भाड़ में बाकी लोग गए भाड़ में ठीक है तो ये आइडिया जो है इज समथिंग दैट गांधी जी कुड नॉट सिट कंफर्टेबली विध Then very importantly, another criticism of Gandhiji on modernization came. बेस्ड ऑन द आइडिया दट दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन रिलेटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन काटेज इंडस्ट्री राइट इंडस्ट्रियलिज्म आया आपके मास प्रोडक्शन आया जिसके कारण जो इंडिया की विलेज इकॉनमी थी जो कॉटेज कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज थी जो खादी इंडस्ट्रीज थी वो कम्पलीटली डिस्ट्रॉय कर दी गई ठीक है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट देर रियली कु नॉट कम्पीट विथ राइट तो ना उतना स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वो काम कर सकते थे ना उतनी स्पीड पर वो काम कर सकते थे इनफैक्ट दिस फॉर्म ऑफ मास प्रोडक्ट and industrialization was not only antithetical to human beings and our labor but also to environment. In fact iske repercussions of today when activists like Vandana Shiva and in fact even at cop 26 we're talking about ki, that modern industrialization led to widespread pollution, led to widespread damage to environment which has today caused climate change and its related problems. Then very importantly, गांधी जी वॉज ऑल्सो एंटी बोथ द इकोनमिक सिस्टम जो कि मॉर्डर्न सिविलाइजेशन में प्रेवलेंट थे बी इट कैपिटलिज्म बी इट सोशलिज्म कैपिटलिज्म फॉर ऑब्बियस रीजनज इज़ वेरी वेरी एक्सप्लोएटेटिव इट इज़ वेरी एक्सट्रैक्टिव एंड देफ डिड नॉट सूट गांधी जी इज आइडियालॉजी ऑन दी अदर हैंड सोशलिज्म एंड द कांड ऑफ पावर्स दैट इट ग्रांटेड स्टेट मेड इट एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज्ड एंड वायलेंट एंड इंडिविजुअलिटी जो थी ह्यूमंस की इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी गांधी जी को मा, का मानना था कि ये इसको प्रमोट नहीं बल्कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है राइट तो इसीलिए गांधी जी का यही मानना था दैट रान कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम हमें जो है एक अपनी विलेज इकोनॉमी की तरफ लौटना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ लौटना चाहिए जहाँ पे इंडिया का फ्यूचर किससे जुड़ा है टू चरखा टू खादी इंडस्ट्री ये जो है आपको सेल्फ सफिशेंसी सेल्फ सफिशंसी सस्टेनेबिलिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट की तरफ लेके जाएगी अपार्ट फ्रॉम दिस गांधी जी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ द इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट सो फॉर एग्जाम्पल रेलवेज का वो बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं वो बोलते हैं रेलवेज इनफैक्ट कोई बून नहीं थी बट इनफैक्ट बिकेम अ वे ऑफ subjugation ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश सिमिलरली बिकॉज ऑफ इतनी स्पीड से लोग जो कम्युनिकेट किए जा सकते थे इसके कारण ब्यूबोनिक प्लेग जैसे जो चीज़ें हैं वो फैली इनफैक्ट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिकॉज अगर हम कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के दौरान भी कंपेयर करें वाइड स्प्रेड माइग्रेंट्स जो कि बिग सिटीज से आफ्टर द लॉकडाउन रैन अवे टू दियर विलेजेस इसके कारण विलेजेस तक पहुँचा जो आपका पैंडमिक था जिसके कारण मैसिव एंड बहुत डिस्ट्रक्टिव थर्ड वेव भी आई देन वेरी इंपॉर्टेंटली इसके कारण लोकल सेल्फ सफिशंसी भी डिस्ट्रॉय होगी वाई बिकॉज रेलवेज वूज्ड एज इकोनॉमिक मिकैनिजम्स टू एंटर इन टू मार्केट्स एंड एक्सप्लॉयड रॉ मटीरियल इवन फ्रॉम रिमोट एरियाज इन दिन रिमोट एरियाज इन इंडिया देन वेरी इंपॉर्टेंटली वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ फिजिशियंस एंड लॉयर्स बोलते हैं लॉयर्स रादर दैन you know हेल्पिंग पीपल रिजोल्व आर्ग्यूमेंट्स इन फैक्ट जड है बिहाइंड बिहाइंड आर्ग्यूमेंट्स बींग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन सिमिलरली फिजिशियंस के लिए भी उनका यही कहना था दैट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स अब लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं खुद अपना ध्यान नहीं रखते हैं बट हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन एलोपैथिक मेडिसिन एंड डॉक्टर्स लाइट इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ कमोडिफिकेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल फील्ड जो कि प्रॉफिट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है इनफैक्ट अगेन यहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी रिलिवेंस की बात कर सकते हैं जब कोविड नाइन्टीन के टाइम पे वैक्सीन के रिगार्डिंग जो लड़ाइयाँ हुई हैं ड्रग्स के रिगार्डिंग जो वेरियस कंट्रीज़ के बीच में टसल चली है ये सब रिफ्लेक्ट करता है दिस फॉर्म ऑफ कमर्शलाइजेशन जिसको गांधी जी ने इतने साल पहले एनविसेज कर लिया था गांधी जी अब यही आइडिया कहते हैं कि देखिए जो हमने पहले बात की थी कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये तो कुछ ही सेंचुरी पुरानी है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये मॉडर्न सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है एक्सप्लोयटेटिव है ऑन दी अदर हैंड ट्रू सिविलाइजेशन कौन सी है इंडिया की है राइट जिसका फोकस इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट ऑटोनॉमी ग्रीड वायलेंस मटीरियल वेल्थ पे नहीं है बल्कि इस पे है ड्यूटी पे है धर्म पे है मोरालिटी पे है गुड कंडक्ट पे है प्रमोशन ऑफ स्वराज पे है criticism of Gandhi was also criticized a lot by other scholars. Bikhu पारे अब तीन मेजर limitations जो है पॉइंट आउट करते हैं गांधी के इस क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निटी की सबसे पहले वो बोलते हैं कि गांधी जी वॉज ऑब्सेस्ड बाई लुकिंग एट द डार्क साइड ऑफ मॉडर्निटी हिस इज लाइक एनी अदर पीरियड लाइक एनी अदर कॉन्सेप्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट राइट तो आप तो सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स की बात किए जा रहे हो वॉट अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स राइट वेन इट टॉक्स ऑफ

देन इम्पॉर्टेंटली बिक्ख पारे कोल्सो आग यूज दैट गांधी जी कुड नॉट रियली इमेजिन कि जरूरी नहीं है हमेशा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म भी है अब इंडिया इज ऑल्सो ट्राई टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया के अंदर भी हम प्रमोट करते हैं आत्मनिर्भर भारत की हम आज ही बात करते हैं बट क्या इसका मतलब है इंडिया ने कॉलोनाइज कर लिया हमने बोला कि चलो श्रीलंका पर जाकर कलोनियलिज्म कर लेते हैं बांग्लादेश को जो है हत्या आ लेते हैं इंडिया ने तो कभी ऐसे नहीं किया सो इट डिपेंड्स मोर ऑन हाउ अ कंट्री इंडस्ट्रियालाइजेज ऑल्सो तो आप इक्वेट नहीं कर सकते कि विच एव अ कंट्री विल इंडस्ट्रियलाइज वो नेसेसरली इम्पीरियल कंट्री ही बनेगी भी देन वेरी इंपॉर्टेंटली ही सेज कि गांधी जी ने वेरी इंपॉर्टेंटली जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे राधर देन देम बींग एंड इन एनियब इन एलियनेबल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इनको बस एक्सीडेंटल माना It, वो बोलते कि गलती से नहीं आए थे आखिरकार द वेरी आइडिया मॉडर्न सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोग्रेसिव थॉट्स प्रोग्रेसिव थॉट्स जैसे कि रेनसा में बात हुई है जैसे कि रिफॉर्मेशन में बात हुई थी जैसे कि इनलाइटनमेंट में बात हुई थी ये कॉन्क्रीट प्रोग्रेसिव थॉट्स थे और ये चेंज जो है लोगों ने लाने की कोशिश की तो ये एक्सीडेंट नहीं था अपार्ट फ्रॉम बिखू पारे इंपॉर्टेंटली रोमेन रोलेंड भी ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है गांधी जी उसके अगेंस्ट है वो कहते हैं हिंद स्वराज जो है राधा दन बींग अ प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट इनफैक्ट निगेट कर देती है प्रोग्रेस एंड यूरोपियन साइंस को जो कि बहुत जरूरी थी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इनफैक्ट इसमें आप अम्बेडकर जी का जो क्रिटिसिज्म है उसको भी डाल सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जिन्होंने बोला था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशनल लाइफ जिसको इतना ग्लोरिफाई करते हैं गांधी जी वो कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है वो कहते आप तो अपर क्लास अपर कास्ट थे आप हमारी हालत पूछिए दीज विलेजेस आर अ डिन ऑफ वायलेंस ऑफ कास्टिजम ऑफ पॉवर्टी सो इट्स बेटर टू गेट रिड इट रादर देन ग्लोरिफाई एंड टू गो बैक टू सच सच अ सिस्टम तो डॉक्टर अंबेडकर के पीछे जो क्रिटिसिजम है आप इसको ऐड कर सकते हैं साथ ही साथ में पार्थो चैटर्जी जो है ही रीड्स गांधी थॉट एज सिविल सोसाइटी राइट जहाँ पे उनका क्या मानना था कि गांधी जी को लगता है कि इंडिया के लीडर्स कॉलेज, लीडिंग फिगर्स ऑफ सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कलो

आफ्टर ऑल वॉट यू वॉन्टेड टू क्रिएट वॉज अ ह्यूमेन जस्ट पार्टिसिपेटरी सोसाइटी जहाँ पर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव ना हो वो एक्सक्लूजनरी ना हो सेल्फिश ना हो साथ ही साथ में उनका ये मानना था कि ये जो वेस्टर्न फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है अर्बनाइजेशन है कई उसके कारण जो इंडिया जिसके ऊपर जिसके पास इतनी सारी पॉपुलेशन है कई वो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के राह में ना पड़ जाए, कई वहाँ पे इंस्टेड ऑफ़ प्रोग्रेस और ज़्यादा पॉवर्टी जो है ना आ जाए इन फैक्ट द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस कैन ऑल्सो बी सीन इन द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि आज हम गांधी फिलासफी के साथ जो है लिंक कर सकते हैं इनफैक्ट योगेंद्र कुमार हु इज़ ऑल्सो अ ब्यूरोक्रैट इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेंट किताब है यह कॉल जियो पॉलिटिक्स इन द एयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इन फैक्ट वो अंडरलाइन करते हैं कि किस तरह से गांधीन फिलासफी बी इट कोविड नाइन्टीन पैंडमिक टुडे बी इट टैक्लिंग द यूक्रेन क्राइसिस बी इट टैक्लिंग रेफ्यूजी क्राइसिस बी इट टैक्लिंग यूथ स्के अनएम्प्लॉयमेंट बी ए टैक्लिंग फूड इनसिक्योरिटी इन सारे ही एरियाज में गांधीन फिलाोसफी आपका बहुत बढ़िया मार्गदर्शन कर सकती हैं इन टू दैट द वर्ल्ड राधर देन बीइंग अ सेल्फिश प्लेस बिकम्स अ मोर ह्यूमेन प्लेस ठीक है तो ऑन दिस बेसिस बाय पॉइंटिंग आउट सर्टन कंटेम्प्ररी इंटरलिंकेजेस एंड रेलिवेंस यू कैन एंड द आंसर राइट सो होपफुली आपको यह समझ में आ गया होगा दिस इज ऑल फर टूडेज लेक्चर थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास